आपके साथ रहते हैं, आपकी बात करते हैं। हम हैं द पंचारा न्यूज, आपके साथ रहते हैं, आपकी बात करते हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर में लेंटर हादसे के बाद निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर कन्नौज जिलाधिकारी ने जनपद कन्नौज में चल रहे निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार मिश्रा द्वारा 50 लाख से ऊपर की परियोजनाओं में से दो बड़ी परियोजनाओं का औचक निरीक्षण करते हुए उपस्थित अधिशासी अभियंता को गुणवत्ता को लेकर खासे दिशा निर्देश दिए। उन्होंने छिब्रमोस और एक विधुना मार्ग पर पूर्ण हो चुके निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच की एवं मार्ग पर खडनी निचली गंगा नहर पर सेतु निर्माण हेतु रिवीजन एस्टीमेट भेजे जाने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देश अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को दिए। उन्होंने सड़क चौड़ीकरण का भी विश्लेषण किया, जिसमें उन्होंने मौके पर गड्ढा खुदवाकर गुणवत्ता को जांचा, जिसमें गुणवत्ता अच्छी पाई गई। उन्होंने सौरिक विधुना मार्ग पर बॉर्डर तक किए गए कार्यों को देखा एवं सड़क पर निर्माण कार्य अधूरा पाया गया, जिस पर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को एक माह में निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। एक सड़क परियोजना और एक सिंचाई विभाग की जो नहर की परियोजना चल रही थी, जो 150 लाख से ऊपर की परियोजनाएं हैं, इसका निरीक्षण किया तो जो सौरिक विधुना मार्ग का देखा तो उसमें अभी कुछ काम बाकी हैं। जो बीच का डिवाइडर है उसमें काम बाकी है, जो साइड की नालियां बननी हैं और पटरियों का काम अभी बिल्कुल नहीं किया गया है, ये सब काम बाकी है। आगे पुल पर थोड़ा सा अप्रोच के पास काम बाकी है। ये सब चीज़ें उनको निर्देश दिया गया है कि जल्दी लोगों ने पूरा करने का आश्वासन दिया है। और जो सड़क की गुणवत्ता थी उसको तोड़वा करके हमने देखा कि उसकी डेप्थ थी और मानक थे वो ठीक मिला है। रेस्ट जो कमियां थी उनको ठीक करने का निर्देश दिया गया है और जल्दी ही ये सब सड़कें सब अच्छी हो जाएंगी। जिलाधिकारी ने खडनी पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए सेतु की गुणवत्ता को भी जांच कर निर्माण कार्य में तेजी लाने एवं पुराने सेतु को बंद कर उस पर बचे स्थान पर पेड़ लगवाए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने उसके पश्चात निचली गंगा नहर एवं कसुआ नहर पर हो रहे नहर चौड़ीकरण कार्य की गुणवत्ता को भी देखा, जिसमें कराए गए चौड़ीकरण कार्य में हटाई गई मिट्टी व सिल्ट के समतलीकरण कार्य नहीं हो पाया गया एवं निर्माण कार्यों में भी फिनिशिंग कार्य एवं निर्माण में कमी पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ा रोष व्यक्त करते हुए निर्माण कार्य को दुरुस्त किए जाने के निर्देश दिए एवं निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने के भी निर्देश दिए। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।